नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तिथियों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यह फैक्चुअल दिखाई पड़ता है, तथ्यात्मक रूप से इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर इसमें एक अप्रोच को विकसित किया जाए कि अगर सवाल किसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है कि इस डेट को क्या पढ़ रहा है, इसको जानने से बजाय हम क्रम से अगर जनवरी से लेकर के जो है दिसंबर तक की जो है घटनाओं को एक तरफ से देखने का प्रयास करें, तो इसमें हम एक समझ विकसित कर सकते हैं और इसके बारे में एक आत्मविश्वास जो है बना सकते हैं, ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हम हल कर पाएं। तो हम लोग अगर एक एक करके इसको देखने का प्रयास करें तो ये ज़्यादा जो है सरल होगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है मस्तिष्क में टिकाऊ होगा। तो हम लोग एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं कि जनवरी से लेकर के आगे के जो है समय में, जो है आगे के जो है महीनों में किस तरीके से महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर दिन कोई ना कोई जो है दिवस होता है जो किसी रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमें उन महत्वपूर्ण दिवसों को देखना है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो हम अगर सबसे पहले यहाँ पे जनवरी को जो है प्रारंभ करते हैं, अगर जनवरी से जो है प्रारंभ करते हैं तो उस रूप में कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण जो है दिन पढ़ते हैं, तो इस क्रम में सबसे पहला तो जो है 1 जनवरी का दिन तो नया वर्ष का प्रथम दिन होता ही है, लेकिन हम 4 जनवरी को अगर देखें तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस एक्चुअली ये जो है ऐसे व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, दिव्यांग होते हैं, उन्हें विशेष प्रकार के स्पर्श के आधार पर जो है विभिन्न अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, जो कि पेपर में जो है एक विशेष प्रकार के युक्ति के माध्यम से छेद और उभरे हुए जो है स्थानों को स्पर्श करके सिखाया जाता है। तो 4 जनवरी को जो है आपका लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसी में 9 जनवरी का दिन पड़ता है। 9 जनवरी एक ऐसा दिन है जो कि इतिहास में महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने का दिन होता है, इसलिए इसे जो है प्रवासी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी क्रम में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है 10 जनवरी पड़ता है। 10 जनवरी को जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी आगे हम चलेंगे तो सितंबर के महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है, तो वो भारतीय संदर्भ में होता है, और यहाँ पर जो है 10 जनवरी जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जो है जनवरी का दिन जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। अभी आगे हम चलेंगे तो आगे जो है विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त में, लेकिन अभी हम उसको जो है नहीं देखेंगे। और इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जो है समझ बनाने की जरूरत है कि हम लोग तुलना करें, अंतर करें और समानता, इन तुलना अंतर और समानता के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के टॉपिक को अगर समझने और सीखने का जो है प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक टिकाऊ होती है और समझ विकसित पैदा करती है, और परीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के कंफ्यूजन से जो है हमें बचाने का प्रयास करती है। तो इस रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को हो जाता है और 10 जो है जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इसी में 24 जो है जनवरी आते हैं, आगे 24 जनवरी को विश्व बालिका जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जो है बालिका दिवस, विश्व बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन जो है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस या संविधान के लागू होने की तिथि तो है ही, तो इसलिए इसको भी जो है जाना जाता है। 30 जनवरी का जो है एक दिन है जिसे जो है शहीद दिवस या जो है कुष्ठ निवारण दिवस, दो दिवसों के रूप में जाना जाता है, शहीद
शहीद और कुष्ठ निवारण, कुष्ठ निवारण। तो ये जो है आपको एक कर्मिक जो है रूप में विभिन्न दिवसों को तैयार करने का एक अप्रोच देता है। इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ें तो हमें हर महीने की जो महत्वपूर्ण तिथि को याद करने के लिए अलग अलग छिटके हुए बिखरे हुए रूपों में नहीं जरूरत पड़ेगी, बल्कि हम एक तरफ से जो है प्रारंभ करके अंत तक जो है सारे महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लेंगे और इससे जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे उसको हल करने में हम अपने आप को आसानी की स्थिति में पाएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसे आपको मंथवार देखना है, ना कि हम परीक्षा में पूछे गए किसी दिन को जो है या किसी दिवस को तारीखों में खोजें, बल्कि महीनेवार हम इस तरीके चलते हैं। तो ये एक्चुअली एक बार में तो नहीं, अगर शुरू में आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो एक बार में नहीं तैयार होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ जो तैयार हो जाएगी। तो लिबरल दिवस हो गया, नौ फरवरी प्रवासी विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व बालिका, राष्ट्रीय मतदाता और शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। गांधी जी को 30 जनवरी के दिन ही जो है 1948 ईस्वी में जो है शहीद हुए थे, इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम जनवरी के बाद जो है फरवरी को देखते हैं। फरवरी को जो अगर हम देखें दो फरवरी आर्द्र दिवस है, रामसर सम्मेलन इसी के संदर्भ में जो है आयोजित हुआ था, जहां पर नम या आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में जो है प्रावधान किया गया था। आर्द्र भूमियां वैसी भूमियां होती हैं जो ना तो एकदम भूमि के रूप में सूखी होती है, ना तो पानी होती है, बल्कि दलदल या इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, और ये जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इसको जो है परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की डेट में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला इसमें जो है 28 फरवरी है। 28 फरवरी का जो दिन है वो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उन्हीं से संबंधित तिथि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस और 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस के रूप में, आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि रामसर सम्मेलन के नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ इसमें कई और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 महत्वपूर्ण बनते हैं, इसलिए हम केवल इन्हीं को देखेंगे। फिर हम मार्च में आ जाते हैं। मार्च में 8 मार्च को आप लोगों को पता ही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के बाद जो 15 मार्च को अगर देखा जाए तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पड़ता है। इसी तरीके से हम 20 मार्च गौरैया दिवस, गौरैया दिवस को मनाते हैं जो है, तो ये प्रश्न भी जो है परीक्षा के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है और यह कई बार पूछा भी गया है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, और 21 मार्च को विश्व जल दिवस। भाई जब हम वन लगाएंगे तभी तो जल उसमें देंगे तो आगे वृद्धि होगी उसमें, तो इसको इस रूप में ध्यान में रखिए कि विश्व वानिकी दिवस इसी के बाद में जो है पड़ता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 को गौरैया दिवस जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और ये 21 को, 20 को जो है गौरैया दिवस, ये 21-22 है, 21 और 22 है, 20 को जो है गौरैया दिवस, 21 तारीख को जो है विश्व वानिकी दिवस और 22 तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को आपको जानकारी होगी कि 3 इतिहास के महत्वपूर्ण पुरुषों को जो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था, तो यह भी एक शहीद दिवस है, लेकिन यह शहीद दिवस किस रूप में मनाया जाता है, वो 3 जो है
हाँ, हमारे भारत के जो है लीजेंड, जो है लीडर और जो है क्रांतिकारी, जिन्हें जो है इस दिन जो है फांसी की सजा दी गई थी, उस रूप में हम लोग याद करते हैं। तो ये मार्च के जो महत्वपूर्ण डेट हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता, 20 को गौरैया, तो यहाँ पर ये जो है ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि वानिकी दिवस और जल दिवस को इसलिए इसी के साथ जोड़ा गया है क्योंकि वो दोनों जो है एक वन है, जैसे वृक्ष को लगाया गया, अगले दिन जल दिया गया। तो ये 21-22 में और 23 को उसी क्रम में जो इन तीनों लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये मार्च के महत्वपूर्ण तिथि और दिवस बनते हैं। तो आप लोग दिन के आधार पर जो है उत्तर नहीं बल्कि महीने के आधार पर जो है डेवलपमेंट को देखेंगे और इसके आधार पर आपको आसानी होगी जो है परीक्षा में सवालों को हल करने पर। मार्च के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अप्रैल पे। सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कानूनविद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन। 21 अप्रैल को हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, जिस चीज़ की हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी होना हमें आवश्यक है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और 22 जो है अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1993 ईस्वी में 24 जो है अप्रैल को पंचायती राज दिवस को लागू किया गया था, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी बात के आधार पर 1993 ईस्वी को लागू हुए 24 अप्रैल के पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा के कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, अप्रैल के दिनों को हम लोग एक क्रम से जो है 7, 14, 21, अगर इसको एक ट्रिक में भी बनाया जाए तो बन जाता है, जो कि महत्वपूर्ण दिनों में है। उसके बाद जो है आपका अप्रैल और जो है 22 और 24 की तिथि इसमें आ जाती है कि पृथ्वी दिवस और पंचायती राज दिवस। तो ये महत्वपूर्ण तिथि है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक के लिए जो महत्वपूर्ण है। अप्रैल के बाद हम लोग जो है मई को देख लेते हैं। मई में जो है 1 तारीख को श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक दिवस होता है जो कि महत्वपूर्ण है, इसको याद करने की आवश्यकता है। 3 को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस या पत्र यहाँ पे लिखा गया है तो इसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। 3 जो है मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में जो है 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22 मई को जो है मनाया जाता है। और इसी के साथ जो है 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तंबाकू जो है निषेध दिवस कब मनाया जाता है, वो 31 मई को। तो मई में पड़ने वाले जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो यही है कि 1 तारीख को श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 3 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस
और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मई की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। अब हम लोग जून का देख लेते हैं। 5 जून जो कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस इसमें पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस का पड़ता है 5 जो है जून को पड़ता है। इसी तरीके से 12 तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जो है जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 21 जो है जून को विश्व योगा दिवस, विश्व योग दिवस। अब ये विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए पृथ्वी को उस वक्त सबसे ज्यादा अगर भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी को 21 जून को हो गया। 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस जो कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के क्षेत्र में, स्टैटिक्स के क्षेत्र में, राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता के क्षेत्र में और योजनाओं के निर्माण के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण रोल था। द्वितीय जो योजना थी पंचवर्षीय वो इन्हीं के जो है नेतृत्व में बनाई गई थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 29 जो है जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सांख्यिकी दिवस जो है वो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर पड़ता है। तो आपको क्या इसमें जून में मिला? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस और 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में आता है। ये सभी दिवस जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसीलिए केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जा रहा है। जुलाई में हम लोग देख लेते हैं। जुलाई में एक तो 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस, यहाँ पे पूछता है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और 29 जो है जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम इस क्रम से जो है महीने में अगर हम इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो कहीं पर बैठ करके 5 से 10 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 से 2 नंबर का जो है आपको फायदा करा सकता है। जुलाई के बाद हम लोग अगस्त में आते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है तो पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखने की जो है आवश्यकता है। विश्व स्तनपान दिवस वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जो है 12 अगस्त को, इसके पूर्व में हम लोगों ने 12 जनवरी को देखा था वो राष्ट्रीय युवा दिवस था, तो 12 अगस्त को क्या देखा जाएगा? विश्व युवा दिवस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बनता है। 15 अगस्त को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है और 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जो है जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम ने जो है बेहतर प्रदर्शन किया और उसने जो है कांस्य पदक अपनी झोली में लाया और इसके साथ ही जो है 41 वर्ष पूर्व की जो भारत के जो है वहाँ
उस क्षेत्र में यानी कि हॉकी के क्षेत्र में जो पदक लाने की श्रृंखला थी वो टूटी हुई श्रृंखला को पुनः जोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जो है जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त की डेट हो जाती है। अब हम लोग सितंबर में देख लेते हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, भारत के संदर्भ में शिक्षक दिवस यहाँ पर बन रहा है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दोनों एक साथ है इसलिए याद करने में आसानी है और दोनों को एक साथ देखा गया है। 8 अगस्त को क्या, 8 सितंबर को हो गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब इसी में जो है सितंबर में और दो महत्वपूर्ण तिथि आते हैं सितंबर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये याद करने की जरूरत है। ओजोन दिवस आपके कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो इसे जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे 14 और सितंबर का है जो है एक हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अभी इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा था विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख को भी पड़ रहा था जनवरी में, लेकिन वो विश्व हिंदी दिवस था। ये 14 जो है सितंबर को भारत के संदर्भ में पड़ता है हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण तिथियां जो है यहाँ से बनती हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 तारीख को हिंदी दिवस और 16 जो है ओजोन दिवस। ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य की तरफ से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक करके विभिन्न प्रकार के डिजीज यानी कि चर्म रोग इत्यादि से जो है मुक्त दिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके संरक्षण के लिए ओजोन जो है दिवस मनाया जाता है। और इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर नामक एक जो है आयोजन भी किया गया था, सम्मेलन किया गया था जिससे ओजोन परत को बचाया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण जो है तिथियां जो है सितंबर की रही है। अब हम लोग अक्टूबर पर आते हैं, अक्टूबर को देख लेते हैं। अक्टूबर में 2 अक्टूबर के दिन जो है 3 महत्वपूर्ण चीजें, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन, पूर्व जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, और 2 तारीख को ही जो है गांधी जयंती के कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर को जैसे वहां पे शिक्षक दिवस था उसी तरीके से यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस, चूंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जो है दिवस को हमें देखना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसके पूर्व में हम लोगों ने क्या देखा था? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था यानी कि भारत के संदर्भ में, और 8 तारीख को सितंबर में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता। तो ये सारी चीजों को अगर जोड़ करके तुलना करके हम लोग देखें तो थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बनता है। तो 2 अक्टूबर को हो गया और 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस हो गया। इसी तरीके से 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस, 15 सितंबर को हम लोगों ने देखा था क्या था, 15 जो है सितंबर नहीं 15 मार्च को हम लोगों ने देखा था, 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस था। 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पड़ता था और यहाँ पे जो है 16 तारीख को 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पड़ रहा है। विश्व खाद्य दिवस पड़ रहा है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पड़ रहा है और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होता था। तो इसलिए जो है इन दोनों को तुलना किया जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता और खाद्य कुछ जो है समान प्रतीत होते हैं और दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूएनओ, यूएनओ का मतलब
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही जो ये स्थापित हुआ था, तो इसलिए इसको यूएनओ दिवस के नाम से जाना जाता है। और 31 अक्टूबर के दिन जो है इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, मतलब इसी दिन जो है 31 अक्टूबर के दिन जो है इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर के ही दिन, इसीलिए इनकी जो है पुण्यतिथि के रूप में जाना जाता है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के। तो इसमें क्या हुआ, 2 अक्टूबर हो गया, 5 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, यूएनओ दिवस और इंदिरा गांधी दिवस जो है अक्टूबर में जो महत्वपूर्ण डेट इसमें पढ़ते हैं। अब हम लोग नवम्बर को देख लेंगे। चौदह नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस। यह मनाया जाता है 19 जो है नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये नवंबर में पड़ता है 19 तारीख को। अब हम दिसंबर को देख लेते हैं। दिसंबर में जो है महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस, 10 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार दिवस, कब पड़ता है 10 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के आधार पर जो है किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि है जिसके आधार पर जो है ये देखा जा रहा है कि इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और ये क्रमिक रूप से जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में व्यक्त होते हैं। अगर इसका रिवीजन करना हो तो आपके लिए यह आसान हो जाता है कि आप मंथ के अनुसार जो है सवालों को याद करें, ना कि सवाल के अनुसार उत्तर को। तो सवाल के अनुसार उत्तर को याद करने से बेहतर है कि आप महीने के क्रम से दो दिनों को ध्यान में रखते हुए जाएं। इससे आपको पूरे वर्ष की महत्वपूर्ण जो है तिथियों के बारे में जानकारी हो जाती है, जिससे आप परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको दिवस से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के संदर्भ में एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।